हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल डीएम पेट लवर में। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, मेरा एक रैबिट का बच्चा है जिसके आँख पूरा सफ़ेद हो चुका है, तो आज उसी रैबिट के बच्चे को हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और जाके रैबिट के बच्चे को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा जो ये वाला रैबिट है इसका रुक जाओ बेटा, कितने करेंगे। देखो, इसका जो डाया वाला आँख है पूरा एकदम सफ़ेद सा हो गया है। ये देखो, पता नहीं कैसे मगर एकदम पूरा। अरे रुको यार, रुको, आप लोग मैं बाहर ला के दिखाता हूँ। ये देखो, एकदम पूरा सफ़ेद सा हो गया, कैसे हुआ कुछ पता नहीं। शायद कुछ नेट वेट लग गया होगा, क्योंकि इधर तो है नेट वगैरह, लग सकता है भाग दौड़ करता रहता है, तो शायद लग गया होगा। अब इसको ठीक कैसे करें मेरे को कुछ पता नहीं, तो अभी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे इसको और देखेंगे कि कैसे ठीक होता है। आ जाओ इधर आ जाओ। ये देखो, एकदम पूरा सफ़ेद सा हो गया है। आजा आजा इधर आजा। चुन्नू इधर आजा। देखो ये कहाँ चला गया। रुकिए, पहले मैं इसको पकड़ के अंदर रख के रख लेता हूँ। तो फाइनली मैंने इसको पकड़ लिया है, तो अभी रख देंगे यहाँ पे। देखो दोस्तों, पूरा का पूरा आँख एकदम सफेद सा हो गया है। ये देखो, हमारी तानू भी आ चुका है इधर। अनु अभी स्कूल से आया है। अनु हाय कर दो। हाय। ये आपको रैबिट अच्छा लगता है सच में? ठीक है। ये घर में सारा दिन कुछ ना कुछ बोलता रहता है, मगर जब किसी के सामने बोलने के लिए बोलो तो बस सर हिलाता रहता है। तो हाँ, देखो सारे कैसे हाँफ रहे हैं, क्योंकि आज गर्मी बहुत है दोस्तों, धूप भी बहुत निकला है आज। तो इनको तंग नहीं करते, छोड़ देते हैं। तनु हटो। तो अभी हमारे मुर्गियों को छोड़ने वाले हैं। ये देखो एक माँ है। हेलो, आपको निकलना है बाहर? तो अभी सारे निकल जाएंगे। ये दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आ जाओ नौ। ये देखो दो अंदर है। आपको नहीं निकलना है क्या? अरे बाप रे, ये वाला मुर्गी तो कुरुक हो चुका है। ये देखो अंदर अंडा भी। नो अरे नो अरे। तो अभी जो मुर्ग कुरुक हो चुका था वो बर्फी से डर के भाग गया है। तो इधर एक और मुर्गी बैठा हुआ है अंडे देने के लिए। लेकी अंडे देना है, जल्दी जल्दी दे दो। तो ये वाला अंडा मैं लेके जाता हूँ घर, मस्त ऑमलेट बनाएंगे और पेट भर के खाएंगे। दरवाजे को रखते खुला, क्योंकि बाकी मुर्गे भी आएंगे अंदर। आने के बाद जिस जिसको अंडे देना है आके दे देंगे। हर रोज चार पाँच अंडे हो जाते हैं इनके। ये है हमारी मम्मी जी, देखो चावल लेके खड़ी हुई है। क्या करना है इसे? ऊपर देना है? ठीक है। या तो इसको मैंने ऊपर दे दिया है, क्योंकि अगर नीचे रहेगा तो मुर्गी पूरा खत्म कर देगा। ये बर्फी, चलो बर्फी आ जाओ, इधर आओ, छांव में आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, यह थोड़ा छाव है दोस्तों, ठंडा भी है, नहीं तो जिधर भी जाओ धूप और गर्मी, इतना गर्मी क्या बताए। फैन के नीचे भी गर्मी लगता है, कि हवा जो है वो भी पूरा गर्मी है, तो नीचे पूरा गर्म हवा ही आता है। तो इधर हमारी बर्फी रानी बैठी है, क्योंकि इधर मस्त ठंडा हवा आता है।
इसलिए बर्फी इधर बैठे रहते हैं। मगर बर्फी इधर आने के बाद हमारी जो बजिश है ये बहुत अच्छी है, उनको ज़्यादा तो आज के लिए बस वीडियो इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए चलते हैं।